Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In today's video, you have to learn that how to attach oxygen face mask to the patient. The first step is perform hand hygiene to prevent spread of infection. The second step is this, that explain the procedure to the patient ताकि उसका जो anxiety level है वो कम हो जाए और वो आपके साथ cooperate करे. आपने patient को बताना है कि आपके जिस्म में oxygen की जो कमी हो रही है वो oxygen face mask लगाने से ख़त्म हो जाएगी. तो इस तरह patient आपके साथ फिर cooperate करेगा. थर्ड स्टेप ये है कि ऑक्सीजन फेस मास्क लगाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे आपने प्रिपेयर करने हैं. उसमें ह्यूमिडिफायर है, स्टेराइल वाटर आपके पास होना चाहिए, इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए या वाल आउटलेट होना चाहिए और फ्लोमीटर आपके पास होना चाहिए और अप्रोप्रिएट साइज़ का फेस मास्क भी होना चाहिए. फिर डॉक्टर ने आपको जिस फ्लो रेट के हिसाब से ऑक्सीजन के बारे में बताया हुआ है तो आपने सेट करना होता है. जब आप ऑक्सीजन फेस मास्क लगाते हो तो उसमें एक इलास्टिक स्ट्रेप लगी होती है, तो उस इलास्टिक स्ट्रेप को थोड़ा सा खींच के आप पेशेंट के बिहाइंड द हेड लेके जाते हैं और फेस मास्क को आप फेस के ऊपर फिट करते हैं. उसके बाद उसमें जो स्ट्रेप होती है उसको आप आगे की तरफ थोड़ा सा खींचते हो और फेस मास्क को आप सेंटर में फिक्स करके थोड़ा सा टाइट करते हैं. मेक श्योर दैट द क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल. उसके बाद आपने ये श्योर करना है कि नाउ पेशेंट इज़ गेटिंग ऑक्सीजन एंड ही इज़ नाउ कंफर्टेबल, क्योंकि पेशेंट को जितना कंफर्ट होगा उतना उसके ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम होगी. रिमूव योर ग्लव्स एंड देन वॉश योर हैंड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन. जो भी आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करें और पेशेंट का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद वो कैसा है, कंफर्ट में इजाफा हो रहा है या कंफर्ट पेशेंट को नहीं हो रहा. अपने नाम का आप साइन कर दें और आपका जो सीनियर कोलीग है उसको भी आप इन्फॉर्म कर दें पूरी प्रोसीजर के बारे में. फिर आपने बार बार पेशेंट को चेक करना है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा या पेशेंट की जो पल्स है वो बढ़ तो नहीं रही, और अगर आपका पेशेंट ज़्यादा टाइम के लिए ऑक्सीजन फेस मास्क पे है तो फिर आपने पेशेंट का फेस मास्क थोड़ा सा हटा के देखना होता है, क्योंकि फेस मास्क की जो रबर स्ट्रेप होते हैं उसकी वजह से पेशेंट को सोर्स डेवलप हो सकते हैं. नाउ व्हाट आर द नर्सिंग अलर्ट्स. सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क जो होता है उसकी कंसंट्रेशन 40 से लेके 60% तक होती है, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको नहीं दे सकते. ऑक्सीजन फेस मास्क का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कुछ बुक्स कहती है कि 5 लीटर से अगर अबाव ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पेशेंट की तो आप फिर फेस मास्क लगा दो, और ये आप 5 से लेके 10 लीटर तक आप और आपको 5 से लेकर 10 लीटर तक अप्लाई करना होता है. सिक्स लीटर पर मिनट या 5 लीटर पर मिनट से कम ऑक्सीजन फेस मास्क में आप इसलिए नहीं सप्लाई करते कि उसके बाद उसमें कम प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है. तो दैट इज़ वाई वी डोंट अप्लाई सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क टू द पेशेंट टू होम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इज़ लोअर देन 5 लीटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन द चैनल.